Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, chemical reactions. So today our topic is law of conservation of mass. Law of conservation of mass was put forward by the French chemist Lavoisier in 1785. This law states that, you know, this law ki definition hai. This law state that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. ठीक है, अच्छा जिसकी example ले लेते हैं. ये मेरे पास क्या है, duster है जो wood के form में. ठीक है, अगर मैं इसको जला देती हूँ ना, ठीक है, तो ये किसी दूसरी form में convert हो जाएगा, ये बिल्कुल disappear नहीं होगा. ठीक है, so यही चीज़ है कि हमारे पास जो mass होता है किसी भी चीज़ का, वो उसको ना हम चेंज कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी आप रिएक्शंस करवाते हैं केमिकल्स में, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना जो प्रोडक्ट बनता है ना, लाइक इसमें अगर प्रोडक्ट बना है FeCl2 FeCl3, ठीक है, जितनी अमाउंट में मैंने यहाँ पे जो है आयरन को ऐड किया, जितनी अमाउंट में मैंने क्लोरीन को ऐड किया है ना, जब वो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होगा ना, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो उतना ही अमाउंट लगेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 जो है 2 ग्राम आयरन लिया है और जो है गैशियस फॉर्म में मैंने ली है क्लोरीन लिया है जिसका 2 जो है ग्राम वेट है. ठीक है, तो ये टोटली यहाँ पर जब जाएगा ना तो ये इतना ही रहेगा. ठीक है, ये चेंज नहीं होगा. सही हो गया. सो जितना जो भी टोटल प्रोडक्ट होता है ना मास का, वो किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट्स के. जितने आप रिएक्टेंट्स लेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास उतना ही रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो एक हम एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी में हमारे पास है एपरेटस, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, दैट विल बी कॉनिकल फ्लास्क, वेट बैलेंस, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, हमने जो है एक्वस फॉर्म में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया. अब टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है कॉनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब. प्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द फ्लास्क अलोंग इट वॉल इन सच अ वे दैट टू सॉल्यूशंस डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. ओके, सील द फ्लास्क विद अ कोक एंड वेट इट अलोंग विद इट्स कॉन्टेंट. Shake the tube, test tube in the flask and allow the two solutions to mix with each other. Observe what will happen when two solutions mix. You record your observation, weigh the flask again and note both the weight are equal. ठीक है, अभी अगे हमारे पास क्या है, वेट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, ये वेट बैलेंस है. ठीक है, हमने बीकर के अंदर कौन सा सोल्यूशन डाला, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला, और जो हमारे पास ये है टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, इन दोनों का अभी वेट आ रहा है 200 ग्राम. जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, प्रिसिपिटेट बन जाते हैं हमारे पास, ये जो है ना, ये हमारे पास जो होता है सोल्यूशन होता है, इसके वाइट प्रिसिपिटेट बनते हैं. ठीक है, जब ये दोनों सोल्यूशन मिक्स होंगे ना, मिक्स होकर भी इनका कितना वेट रहेगा, 200 ग्राम. ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास ये कहता है कि जितना टोटल वेट रिएक्टेंट्स का होता है, उतना ही टोटल वेट प्रोडक्ट्स का होता है, या हम कह सकते हैं जितना टोटल वेट प्रोडक्ट्स का, सो जितना वेट हमारे पास प्रोडक्ट का होता है उतना ही रिएक्टेंट्स का होता है, और वाइस वर्सा ये चीज़ है, जितना रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का भी होता है. ठीक है, सो हमने ऑब्जर्व ये किया थ्रू द एक्टिविटी, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइस प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. हमारे पास जो वाइट प्रिसिपिटेट बने ना, वाइट कलर का जो है वो पाउडर जो हुआ बना दोनों का रिएक्शन करके, ठीक है, सोल्यूशन जो थे ना दोनों मिक्स किए, तो उनका जो वाइट कलर का सोल्यूशन हमें नजर आया था ना, उसके अंदर प्रिसिपिटेट थे जो, वो किस चीज़ के थे, सिल्वर क्लोराइड के थे. एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन, किसके वाइट प्रिसिपिटेट थे, सिल्वर क्लोराइड के. कैसे हमारे पास ये आए वाइस प्रिसिपिटेट, जब हमने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को क्या किया, हमने सोल्यूशन मिक्स किया. ठीक है, रिएक्शन करवाया हमने, कहते हैं केमिकल रिएक्शन करवाया. ठीक है, सो ये सोडियम क्लोराइड का आपके पास फॉर्मूला है NaCl, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपके पास AgNO3, और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास Ag जो रिप्रेजेंट होता है, किसका नेम है, सिल्वर का. ठीक है, और जो Cl होता है ना, ये हमारे पास क्लोरीन होता है. ठीक हो गया, तो जब हम इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनता है. ठीक है,
अब आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हमने कितना लिया था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। जब हमने सॉल्यूशन लिया करवाया तो हमारे पास एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने जो कि किस फॉर्म में थे, सोडियम सॉलिड स्टेट में थे, ठीक है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बने थे, क्योंकि जब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला वो हमें सिल्वर क्लोराइड मिला था और हमारे पास साथ में क्या मिला था, एक सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में था, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ जो है नोटिस की, ये हमारे पास नोटिस आता है, ये ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है। जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व भी करना होता है और नोटिस भी करना होता है, ठीक है। वी विल नोटिस दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना हमारे पास मास का प्रोडक्ट था उतना ही हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। जितने आप क्वांटिटी में आप रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इंक्रीज नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस वेरीफाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। अब ये चीज़ किस चीज़ को वेरीफाई कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमारे पास कौन सी जो है एक्टिविटी जो है प्रूफ करें, वो हमारे पास ये है कि जब हमने सिल्वर जो हमारे पास ये था सिल्वर नाइट्रेट था, इसको रिएक्ट करवाया हमने सोडियम क्लोराइड के, जो कि हमारे पास स्टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है। और उनके रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड बना और हमारे पास क्या चीज़ थी, सोडियम नाइट्रेट बने, ठीक है। सो एक्टिविटी टू है हमारे पास चाइना डिश एंड पीसेज ऑफ आयरन। हमने यहाँ पे चाइना डिश ली और उसके अंदर पीसेज आयरन के पीसेज जो नेल होते हैं ना, जो कीले वगैरह होते हैं, उसके हमने पीसेज इसमें डाल दिए। टेक सम आयरन नेल्स इन द चाइना डिश, वेट द चाइना डिश अलॉन्ग विद एन आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन द बाथरूम फॉर 5 मिनट्स, वेट द चाइना डिश अलॉन्ग विद आयरन नेल्स अगेन आफ्टर 5 मिनट्स, वेदर द वेट ऑफ द वेट मास ऑफ आयरन नेल इंक्रीजेज डिक्रीजेज और नॉट इन चेंजेस फ्राम कीपिंग इन बाथरूम, ठीक है। आपने इसके ऊपर रखा वेट जो है उसको, आपने इसको वेट किया, वेट करने के बाद आपने जो है इस जो है नेल्स को आपने किस में रख दिया, वॉशरूम में रख दिया, ठीक है, बाथरूम में रख दिया। जब बाथरूम में कुछ टाइम के बाद आपने चेक किया कि जो वेट पहले था नेल्स का वही वेट जो है वो बाद में भी वही था, ठीक है। सो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितने वेट में हम रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही वेट में प्रोडक्ट बनेगा, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास ये चीज़ भी बोलता है कि जब जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका जितना भी वेट होगा, ठीक है, वो वेट किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट्स के, ठीक है। हमने दो रिएक्शंस को मिक्स करवाया, ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिए उन और जो है ना उनको केमिकल रिएक्शन करवाया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ही बनेगा, उतने ही उसमें वेट होगा। ऐसा नहीं होगा वेट इंक्रीज़ होगा कि मैंने दो सॉल्यूशंस ऐड किए तो उसका वेट इंक्रीज़ हो गया, नहीं, ठीक है। जितने जो सॉल्यूशंस आप जितनी क्वांटिटी में लेंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी जब वो किसी और रिएक्शन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो उतना ही वेट रहेगा, वो वेट उनका चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।